हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WBCS का प्रीलिम्स का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक सेट का एक सीरीज चलाया था। आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, तो आप लोगों के डिमांड के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, WBCS का मेंस का सीरीज चला रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो प्रोवाइड करा दिया है WBCS के मेंस का, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का। और क्या है, इन जो वीडियो सीरीज चलेगा इसमें 2019 से स्टार्ट करके 2014 तक जितने भी आज तक WBCS के मेंस हुए, सब सीरीज़ आप लोग का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल रहेगा, कंप्लीटेड रहेगा। तो ये जो अलग सा मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, इसका मैं प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसके प्रीवियस वीडियोज़। तो ये जो आप लोग का वीडियो होगा, ये WBCS के मेंस का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जिसमें आप लोग का करंट अफेयर्स, इकोलॉजी एंड साइंस सेक्शन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पेपर नंबर 4 है, इसके पहले आप लोगों का पेपर नंबर 3 जो था हिस्ट्री और जियोग्राफी के ऊपर था। और यहाँ पे आप लोगों का करंट अफेयर्स है 1 से लेकर 25 तक पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स तो आप लोगों का रिपीट होने वाला है नहीं, और ऊपर से ये लोग सब ओल्ड करंट अफेयर्स है। तो आप लोगों करंट अफेयर्स के ऊपर तो मैं एक सीरीज चलाता ही हूँ, आप लोगों को पता है। टॉप 100 मैं हर मंथ का देता हूँ, फरवरी मंथ का दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। और करंट अफेयर्स आप लोग का वहीं से मेनली फंस जाएगा, आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं और ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग अगर WBCS का प्रिपरेशन या प्रैक्टिस सेट मारना चाहते हो तो आप लोग परीक्षा ऐप से मार सकते हो। परीक्षा ऐप अगर आप लोग के पास है नहीं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका डाउनलोड करने का ऐप डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग मार सकते हो। और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग ये अपना सेट भी खरीद सकते हो, ये लर्न FK40। आप अगर कोड यूज़ करोगे तो 40% आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 25 तक तो आप लोग करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट यहाँ से GK एंड साइंस स्टार्ट करते हैं। हु स्क्रिप्टेड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो तेले कहिए जे। ये जो क्वेश्चन था, ये आप लोग का आंसर नरसिंह मेहता होता, बट नरसिंह मेहता कहीं भी ऑप्शन में है नहीं। तो WBPSC ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या किया है, इसका आंसर गलत बताया, एक भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं जितने भी आप लोग को आंसर्स प्रोवाइड करता हूँ, सब ऑफिशियल आंसर की से मैच किया रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को 26 का देखें, यहाँ पे एस्ट्रेस मारा हुआ है। एस्ट्रेस मतलब क्या है, WBPSC इसका आंसर नहीं बताया, और ये क्वेश्चन ही गलत है, ये इवैल्यूएट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जितने भी आंसर कीज हैं, सब आप लोग को ऑफिशियल आंसर की से मैच किया हुआ है। देन नेक्स्ट है 27, विच वन इज़ द इंडियाज मल्टीपर्पस रिवर वैली। ये भाखरा नांगल जो आप लोग का हिमाचल प्रदेश में है, वो आप लोग का मल्टीपर्पस एक डैम है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम इसे ही बोलते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट 28, हु कैन डिक्लेयर फिनेंशियल इमरजेंसी। आप लोग कोरोना के बाद तो फिनेंशियल इमरजेंसी लगने वाला है, तो आर्टिकल 360 में आप लोग का फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया, जो आप लोग का प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, और आप हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। देन नेक्स्ट, विच वन इज़ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट कॉन्टिनेंट। ये साउथ अमेरिका होगा, जहाँ पे अमेजन है। देन 30, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड लंडन। ये जो टाइम डिफरेंस है इंडिया और लंडन का, वो 4.5 घंटा है, इंडिया 4.5 घंटा आगे है, अहेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट 31, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया सजेस्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल आप लोगों का 1906 से बनना स्टार्ट हुआ था, देन 1921 में कम्प्लीट हुआ था, और 1906 के टाइम पे आप लोगों को पता ही है लॉर्ड डलहौजी थे, सॉरी लॉर्ड कर्जन थे। देन उसके बाद 32, विच वन इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट एनिमल अगर बोलेंगे तो फिशिंग कैट हो जाएगा, देन अगर स्टेट ट्री बोलेंगे तो आप लोग का डेविल्स ट्री, जिसे छतिम गज बोलते हैं बंगाली में, और स्टेट आप लोग का फूल बोलेंगे तो स्यूली, और इंग्लिश में उसे अगर बोलेंगे तो नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 33, पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया था, ये 1897 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इंडिया का कब से फंक्शनिंग स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट मीटिंग December 9, 1946 में हुआ था, और इसमें टोटल 11 मीटिंग्स हुए थे, और इसमें आप लोग का फर्स्ट टेम्पोररी जो प्रेसिडेंट चूज़ किए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चूज़ किया गया था, देन लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद को चूज़ कर दिया गया था। देन नेक्स्ट है 36, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है, 295 सीट्स है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट, ये सर बांस पीकॉक थे चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के। देन नेक्स्ट है
इन विच ईयर चंदनगर वॉज इंटीग्रेटेड इन टू वेस्ट बंगाल. इन वेस्ट बंगाल में कब आया था ये, 2 अक्टूबर में आया था आप लोग का 1954 में चंदनगर. ये पहले एक आप लोग का फ्रेंच कॉलोनी के अंडर में आता था, तो ये चंदनगर अभी वेस्ट बंगाल के अंडर में है. द नेक्स्ट 39, इन विच ईयर द बंगाल फेमिन हैपेंड, ये 1943 में हैपन हुआ था. देन फर्स्ट सुल्तान बंगाल के कौन थे आप लोग का, शमसुद्दीन इलियास शाही थे. देन नेक्स्ट है, जहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन लगेगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, जहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट रटना पड़ेगा वो सब मैं आप लोग को बता दूंगा. देन द नेम साइक्लोन फोनी, ये नाम किसने दिया था, वो साफेर फोना जेटा बोलते हैं ना, तो साफेर फोनी को फोना ये बांग्लादेश ने नाम दिया था. देन 42, इन विच ईयर सत्यजीत राय फर्स्ट फिल्म पाथेर पंचाली वॉज रिलीज, ये 1955 में रिलीज किया गया था पाथेर पंचाली. देन इन विच ईयर हावड़ा ब्रिज वॉज ओपन फॉर पब्लिक, हावड़ा ब्रिज जो है आप लोग का स्टार्ट हुआ था बनना 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट हुआ था, तो इसी टाइम पे आप लोग का हावड़ा ब्रिज बनना स्टार्ट हुआ था, बट पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था आप लोग को 3 फरवरी 1943 में ओपन किया गया था. देन नेक्स्ट है, विच वन इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में समाचार दर्पण, और ऐसे ही बोलेंगे नॉर्मल फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है आप लोग का, जेम्स अगस्टस हिक्की ने जो किया था बंगाल गैजेट किया था. द नेक्स्ट 45, इन विच ईयर द प्रिंसली स्टेट ऑफ कोच बिहार मर्ज्ड विद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ 1950 में मर्ज हो गया था. देन 46, विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 2022 एशियन गेम्स, जो आप लोग का यांगजाओ चाइना में होने वाला है, वो आप लोग का ये चाहे क्रिकेट को ऐड कर दिया गया एशियन गेम्स में, जो ले इसके पहले जकार्ता में हुआ था 2018 में होता है, 4 साल बाद होता है. 47, इंडियाज़ फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस टर्न्ड 50 ऑन मार्च 3, 2019, ये कौन सा राजधानी एक्सप्रेस जो सबसे पहले रूट कौन से रूट में चला था, हावड़ा न्यू दिल्ली में चला था. नेक्स्ट, विच सिटी बैग्ड अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट, अगेन आप लोग का क्या आ गया, देखिए जितने भी आ रहा है 46 से लेकर आप लोग का 55 तक करंट अफेयर्स है, तो आप लोग का करंट अफेयर्स में पढ़ा नहीं रहा, रुकिए स्किप करने दीजिए मेरे को. 55 तक मैन बुकर आना बंद नहीं जाता था पता ही है. और ये जो PDF है आप लोगों को फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप में तो मिल ही जाएगा, तो ये आप लोगों को झंझट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. देन नेक्स्ट है, ब्लैक होल वाज प्रेडिक्टेड बाय, ये किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, क्विंटो को बोला जाता है सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग. नेक्स्ट है, इंडिया हाउस इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे सिचुएट है, ये लंडन में सिचुएटेड है इंडियन हाउस. देन नेक्स्ट, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड है, ये इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट कंपटीशन को बोलते हैं. डुइस बूस्टर स्पाइक सर्विस लव रिलेटेड, कौन से गेम से रिलेटेड है, ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है. देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है. द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. देन न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, रोम में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो ILO का हेडक्वार्टर आप लोग का जेनेवा में है. देन इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का हम लोग ड्यूरंड लाइन बोलते हैं. देन मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन किसको बुलाते हैं, माइकल फिलिप्स को बुलाते हैं, क्योंकि एक ओलंपियन आप लोग ये जान के रखिए, थोड़ा सा अच्छा होगा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, एक ओलंपियन मैक्सिमम 8 ही मेडल्स जीत सकता है, वो 8 के 8 मेडल माइकल फिलिप्स ने जीता था एक बार आप लोग का क्या गोल्ड, और मैक्सिमम आज तक सबसे ज़्यादा मेडल किसके पास है, ये इन्हीं के पास है, 28 मेडल्स है, और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल का लिस्ट इनके पास ही है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इनके पास ही है, तो इन्हीं को ही द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन भी बोला जाता है, ये स्विमर है. देन नेक्स्ट है, 64 अमेरिका के स्विमर है. 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का आयरन क्रॉस को बोलता है. सूरा ए मिला, ये पार्लियामेंट है किसका, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बोला जाता है. देन नेक्स्ट है, हु सेड मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, ये एरिस्टोटल ने बोला था. देन प्लेइंग इट माई वे, ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर का. किसने ये बुक लिखा था, आइडेंटिटी एंड वायोलेशन द इलेशन ऑफ डेस्टिनी, ये अमर्त्य सेन ने लिखा था, जो हमारे इंडिया की तरफ से फर्स्ट इकोनॉमी की तरफ से आप लोग का नोबल प्राइज़ मिला था इनको. द नेक्स्ट, 2020 समर ओलंपिक जो आप लोग का हेल्ड होने वाला था वो टोक्यो में हेल्ड होने वाला था, बट ड्यू टू कोरोना वायरस आप लोग का इसको क्या पोस्टपोन करके एक साल पीछे कर दिया गया, यानी कि 2021 में अब होगा आप लोग का क्या समर ओलंपिक्स, ये टोक्यो में ही होगा, वेन्यू चेंज नहीं है, वहीं पर ही होगा. देन कैपिटल ऑफ बुल्गारिया ये बन गई है. देन म्यांमार के करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड इटली के करेंसी को यूरो बोलते हैं. अब यहाँ पे हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशनल कमांड
इंडियन आर्मी का कितना है? टोटल 6 है। कौन कौन से है? नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में है, साउदर्न पुणे में है, ईस्टर्न कोलकाता में है, वेस्टर्न चंडीगढ़ में है, सेंट्रल लखनऊ में है, और साउथ वेस्ट सेंट्रल जो है आप लोग का जयपुर में है। तो ये टोटल आप लोग के 6 ऑपरेशन कमांड हो गए, और एक ट्रेनिंग कमांड है जो आप लोग का शिमला में है। और एयरफोर्स का अगर बोलेंगे तो 5 ऑपरेशन कमांड है, एक मेंटेनेंस कमांड है, और एक ट्रेनिंग कमांड है। और नेवी का 3 ही आप लोग का कमांड है। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1945 में जो फॉर्म हुआ था 19। तो ये क्या है आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज? टोटल 6 है। कौन कौन से है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये है। देन नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, रिवर डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 75। देन फ्रेश वाटर परसेंटेज ऑफ अर्थ इज, ये कितना है? 2.5% है ये अर्थ का। देन नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो आयरन कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता, आप लोगों को पता ही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वही प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब आप लोग के माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब एनएक्ट हुआ था? ये 2005 में एनएक्ट हुआ था। शौर्य होप, ये एक ऑपरेशन है किस चीज़ के लिए? उत्तराखंड में जो फ्लड आया था उसको, ऑपरेशन को शौर्य होप नाम दिया गया था। लॉस ऑफ वाटर इज मैक्सिमम फ्रॉम, ये सॉइल के सरफेस से सबसे ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, इवापोरेशन सबसे ज़्यादा सॉइल के सरफेस से होता है इसलिए। देन नेक्स्ट, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज क्या है आप लोग का? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, नीचे ट्रोपोस्फेयर, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों के बीच के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज बोलते हैं। और इसका मैक्सिमम कितना विड्थ हो सकता है? 20 किलोमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। देन थर्मोस्फेयर स्टार्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस एट ए डिस्टेंस ऑफ, थर्मोस्फेयर क्या है आप लोग का? पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, ऐसे करके आप लोग का टोटल 5 लेयर्स है। इसमें आप लोग का थर्मोस्फेयर कहाँ पे? 85 किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस से। देन नेक्स्ट, द फॉलोइंग बैक्टीरिया मे बी यूज इन मिटिगेशन ऑफ ऑयल स्पिल, इस किसको यूज़ करते हैं? स्यूडोमोनास को यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है, बीओडी शुड बी मेंटेन्ड इन 20 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया जाना चाहिए। और साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क आप लोग केरला में है, उसको नेशनल पार्क के मान 1984 में दे दिया गया था, दर्जा दे दिया गया था। देन नेक्स्ट है, पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के अंडर होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल क्या होता है आप लोग का? 7 होता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं। तो 7 से कम अगर होगा तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक हो जाएगा, बट 7 चाहिए तो 7 के खास आप लोग का न्यूट्रल होता है। देन नेक्स्ट है, फॉलोइंग वायरस इज वाटर बोर्न, ये हेपेटाइटिस ए आप लोग का वाटर बोर्न वायरस है। देन 88 विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से राजेंद्र सिंह एसोसिएटेड है, और इनको हम लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा जान के रखिएगा, ठीक है? वाटरमैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है, डीडीटी डज नॉट कंटेन्स, डीडीटी का फुल फॉर्म अगर पूछ लेंगे, डाइफिनाइल ट्राइक्लोइथेन होगा, और इसका फुल फॉर्मूला है C14H9 और CL5 है। तो यहाँ पे क्या कंटेंट नहीं है? फॉस्फोरस कंटेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, द फॉलोइंग गैस मे बी इंक्लूडेड इन स्टोन कैंसर, अब ये स्टोन कैंसर सोच रहे होगा आप लोग कोई बॉडी का कैंसर है, ये कोई बॉडी का कैंसर नहीं है। जो ताजमहल आप लोग का ब्लैक या येलो कलर का पड़ जा रहा है ना, किस लिए पड़ रहा है? आप लोग एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जा रहा है उस आगरा में, तो इसलिए क्या हो जाता है, जितने भी आप लोग के बिल्डिंग या स्ट्रक्चर से उनके कलर फेड हो जाते हैं, वही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसे हम लोग स्टोन कैंसर भी बोलते हैं इस फिनोमेना को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट है, द ब्लैक फुट डिजीज, ये आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फुट डिजीज। देन फ्लोराइड इन एनवायरनमेंट प्राइमरी कम्स फ्रॉम, ये फ्लोराइड से आते हैं। देन सेडिमेंटरी होगा, ये रॉक का जो है सेडिमेंटरी साइकिल बोलते हैं, गलत स्पेलिंग है, तो ये सेडिमेंटरी साइकिल आप लोग का फॉस्फोरस साइकिल को बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन नेक्स्ट है, द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एडोसिम बायोनेट, ये कौन सा है? एना बाइना को एडोसिम बायोनेट बोलते हैं। देन हैबिटाइट्स रिजल्टिंग फ्रॉम लावा फ्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये प्राइमरी सक्सेसर बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, 96 विच इज़ द फर्स्ट प्लांट ग्रोन इन मून, चाइना ने ग्रो कराया था, क्या ग्रो कराया था? कॉटन ग्रो कराया था। अगेन आप लोग का 96 से लेकर 95 जो भी है आप लोग का, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ICC का जो वर्ल्ड कप खेला गया था 2019 में, ये इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था, ये ओवल में खेला गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, 98 वेन डिड वेस्ट बंगाल बिकम ए स्टेट, वेस्ट बंगाल जैसे हम लोग का रिपब्लिक
संविधान लागू हुआ था तभी स्टेट बन गया था, यानी कि जनवरी 26, 1950 को स्टेट बन गया था। एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है, जो केरला में है। देन नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कहाँ पे है? कलापक्कम, जो आप लोग का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और ये आप लोग का इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और ये तमिलनाडु में है। देन नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन F2 फ्लोरिन डाइऑक्साइड जो भी बोलते हैं, ये F2O में F जो है आप लोग का फ्लोरिन, ये एक होता है, और ऑक्सीजन का स्टेट आप लोग का दो होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इनमें से आप लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2SO3 का नहीं होता है। होमोलोगस ऑफ इथेन इज C3H4 है। देन एल्कोहलिक ब्रीवरेज में क्या होता है आप लोग का? इथेनॉल होता है 105। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एडल्ट मैन, लार्जेस्ट ग्लैंड बोला है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है, जो गले में है, बट आप लोग को लार्जेस्ट ग्लैंड सिर्फ बोला है तो ये आप लोग का लीवर हो जाएगा, और पैनक्रिया को हम लोग मिस्ड ग्लैंड बोलते हैं। देन नेक्स्ट है इंडूशियम इज फाउंड इन फर्न में मिलता है। द प्लांट वॉट इन प्लांट्स वाटर सप्लाई इज ड्यू टू, ये किस लिए होता है? एडेशन फोर्स के कारण होता है, और आप लोग का जो हाइड्रोजन एंड वाटर का जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, उसमें एडेशन फोर्स के कारण होता है। देन नेक्स्ट है इन विच फॉर्म डज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये सुक्रोज के फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द स्मॉलेस्ट वेव लेंथ, अब वेव लेंथ इज ऑलवेज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू आप लोग का फ्रीक्वेंसी पता ही है। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग वेव लेंथ का ये यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। राहुल्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन है, और यहाँ पे क्या है देख लीजिए, आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे, और जी से गामा, और गामा रे का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वेव लेंथ होगा, और रेडियो वेव्स का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है और सबसे ज़्यादा वेव लेंथ है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट ऑफ हाइस्ट इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी क्लास 12 में मेरा कमज़ोर था, तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर्स हैं मैं आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देन 111, विच इज करेक्टली मैच्ड, एपिकल्चर हनी बी के पढ़े को बोलते हैं या हनी बी के हार्वेस्टिंग को बोलते हैं। इन ब्लड CO2 इज ट्रांसपोर्टेड मेजरली एज ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। क्यूपर सेल ये लीवर में प्रेजेंट रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये विटामिन के एसेंशियल होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन में यानी कि पहले जरूरत था बट अभी जरूरत नहीं पड़ता, तो इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? नील्स आप लोग का नहीं है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज इंसिनरेटर, इंसिनरेटर क्या है? फर्नेस यूज फॉर बर्निंग सॉलिड वेस्ट, उसे हम लोग इंसिनरेटर बोलते हैं। देन प्लैंटॉक किसे बोलते हैं? जो आप लोग का ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग करता है आप लोग का प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, उसे बोलते हैं हम लोग प्लांटॉक्स। देन बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, सब लोग होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी दे। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ पिंजर, ये आप लोग का तब का करंट अफेयर्स था, ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंस, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, हैवी वाटर का काम क्या है? जो ड्यूटेरियम हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका रियल काम होता है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट है द जनरल मोलिकुलर फार्मूला फॉर डाइसेक्राइड, ये C12H22O11 है, डाइसेक्राइड का जनरल मोलिकुलर फार्मूला। देन नेक्स्ट है प्रोटीन आर कंपोज ऑफ, ये अल्फा अमोनिया एसिड्स से कंपोज रहता है, और इसमें टोटल अगर पूछ लेंगे अमोनिया एसिड कितने होते हैं प्रोटीन में, 20 अमोनिया एसिड होते हैं, 20। देन नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम में आप लोगों का क्या होता है? बायोटिक कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग एलिमेंट, सब कुछ होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। डिकम्पोजर्स विच स्पेशली एक्ट ऑन द फिकल मैटर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? कोप्रोफेजिक बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन का
मेजर जो केमिकल है उसका नाम क्या है, CFC जिसे बोलते हैं, क्लोरोफ्लोकार्बन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, AC जिसे निकलते हैं। द नेक्स्ट, विच ऑफ देम कंटेंस ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फॉल द पॉलीपेप्टाइड चेन इन 3D थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर में, वो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन नेम द RNA मॉलिक्यूल्स विच इज़ यूज टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी फ्रॉम DNA, तो वो कौन करता है, वो mRNA करता है, mRNA मतलब मैसेंजर RNA होता है। देन नेक्स्ट है, नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन का कारण क्या होता है, हम लोग का पेलाग्रा होता है, विटामिन ये पेलाग्रा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट है, विटामिन बी का कोई पार्ट होता है इसे। देन नेक्स्ट है 129, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन प्रिक्यूसर, हार्मोन प्रिक्यूसर का मतलब क्या, कोई भी इनएक्टिव सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है एक्टिव सब्सटेंस में, उसे हम लोग प्रिक्यूसर बोलते हैं, तो विटामिन डी को हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन प्रिक्यूसर। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, इनमें से कौन सा न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है। द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड किसे बोलते हैं, जिससे हम लोग प्रेस ही नहीं कर सकते, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कितना होना चाहिए, जीरो आइडियल फ्लूड का। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स टू चार्ज कंजर्वेशन होगा, ऑप्शन सी। विच रुको ये क्या है, विच इज द चीपेस्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग फ्लो और डिस्चार्ज ऑफ रेडी, ये ऑरिफी से मीटर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देन द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये कैसा होना चाहिए, ये अर्थ का ऑर्बिट कैसा होता है, इक्लिप्स होता है, और ये जो सेंटर में इसेंट्रिसिटी होता है, ये आप लोग का बहुत ही कम होता है, ज़्यादा का मतलब ऐसे करके होगा और कम का मतलब होगा ऐसे करके होगा, ठीक है। द नेक्स्ट है, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग pH इन रेन रिगार्डेड एज एसिड रेन, एसिड रेन के pH का कितना होने से एसिड रेन बोलते हैं, 5.6 होने से एसिड रेन बोला जाता है। बहुत बार पूछ लेते हैं एसिड रेन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, देन नेक्स्ट होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये दो ही मेन होते हैं, बट और एक भी होता है आप लोगों का कार्बोनिक एसिड भी होता है H2CO3 जिसे हम लोग बोलते हैं। देन नेक्स्ट है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू फोटोकेमिकल स्मॉग, यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग में बहुत सारे होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है एक, देन उसका VOC जिसे हम लोग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, देन आप लोग को ओजोन तो होता ही है, तो उसके बाद पैन एक है, सबसे मेन जो होता है पैन होता है, और पैन का फुल फॉर्म अगर पूछ लेंगे तो आप लोग का पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होगा, तो यहाँ पे टिक मारा हुआ था बट वो गलत निकला, तो आप लोग का ओजोन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑफिशियल आंसर की इसे मिलाया हुआ, तो ऑफिशियल आंसर की जो है वो यहाँ हमको लेना पड़ेगा आंसर। द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एश्योरिंग एयर क्वालिटी, ये 9 PPM होगा, और 9 PPM का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, और उसे हम लोग MG पर लीटर भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे PPM दिया हुआ है, तो पार्ट्स पर मिलियन होगा। द नेक्स्ट है 138, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन एटमोसफेयर, ये मीथेन है सबसे मोस्ट एबंडेंट। देन डेटा ट्रांसमिटेड फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैंडविड्थ बोलते हैं। देन टेलीविज़न का जो हम लोग का ट्रांसमिशन होता है ऐसे सिग्नल का, तो उसमें कौन सा मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, VSB मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग वेस्टिजियल साइड बैंड भी बोलते हैं, VSB का फुल फॉर्म होता है ये, वेस्टिजियल साइड बैंड। द नेक्स्ट है 141, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, ये आप लोग का मिसलिनियस का क्वेश्चन में भी आया था क्या, वाटर वेपर है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ओशंस होते हैं लार्जेस्ट सिंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल, ये मिस्ट को बोलते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल। द नेक्स्ट, एक्स रे फिल्म्स आर ए सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सा गैस निकलना है उसे, NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट 145, द सोलर सन स्पॉट साइकिल, ये 11 साल का होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 11 साल। देन इंडिया का जो नेविगेशन सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, IRNS जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म अगर पूछ लेंगे तो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा, IRNSS का। देन एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से दो ग्रह के बीच में है, वो ऑर्बिट आप लोग का मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, जो पत्थर होते हैं ना ऐसे गोल 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 करके, वो है आप लोग का दोनों के बीच में। देन नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टार बिगिंस फ्रॉम द फॉलोइंग टू गैसेज, स्टार यानी कि सन, और सन में कौन से दो गैसेज होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, और इन दोनों में क्या होता है, सन के अंदर आप लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। द मेन एनर्जी जनरेटेड प्रोसेस इन सन इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। द नेक्स्ट है
वट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम सन। ये एटमोसफेयर हमें बचाता है रेडिएशन से, और एटमोसफेयर का कौन सा लेयर बचाता है, स्ट्रेटोस्फेयर से बचाता है। देन नेक्स्ट, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच द इट बिलोंग्स रिस्पेक्टिवली आर, ये बाल्मर सीरीज है और ये विजिबल रेज है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन वैन, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवर्क इंक्लूड्स, उसमें क्या होता है आप लोग का, मल्टीप्लेक्सर और राउटर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन विच वन इज़ द फर्स्ट सर्च इंजिन, ये इंटरनेट का सबसे फर्स्ट सर्च इंजिन आप लोग का आरसी था, ऑप्शन बी। देन विच वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्रोलॉग का यूज़ किया जाता है एआई में। देन ड्यूअल लेयर ब्लू रे डिस्क में कितना हम लोग स्टोर कर सकते हैं, 40 GB मैंने किया था बट वो गलत था आप लोग का, ये 48 या 49 हम लोगों ने पढ़ा था, इसका 50 आंसर लिया है, तो 50 GB करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, deoxyribonucleic acid जिसे बोलते हैं, इसका हेलिकल डबल हेलिकल का स्ट्रक्चर ऑर्सन क्रिक ने दिया था। विच ऑफ द दीज आर यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये पोलरीमीटर का हेल्प लिया जाता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF जिसे बोलते हैं, स्पेशली यूज इन रेडार एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन, इसका कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक होता है। देन नेक्स्ट, द डिवाइस यूज बाई बैंक्स टू ऑटोमेटिकली रीड दीज दोज स्पेशल नंबर्स ऑन द बॉटम ऑफ द चेक, चेक जो होता है उसके नीचे आप लोग का पहले चेक का नंबर, देन ब्रांच नंबर, MICR कोड होता है, तो MICR ही होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। MICR का बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हो तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा MICR का फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट, है प्रोटीन फोल्डिंग इन ए प्रोसेस इन विच ए पॉलीपेप्टाइड फोल्ड्स इन टू ए, ये 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, 61, इफ द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन ए मटेरियल इज 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द मटेरियल इज, वो क्या हो जाएगा आप लोग का, इंसुलेटर हो जाएगा। देन यहाँ पे ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ पोजिशन फ्रॉम न्यूक्लियस द मास नंबर ऑफ द डॉटर एलिमेंट रिमेंस द सेम बट द एटोमिक नंबर कितना होगा, डिक्रीज हो जाएगा एक यूनिट द्वारा। देन ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, विच टाइप ऑफ पॉलीजन वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजैक्सिन, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है, द परमानेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर अकर्स ड्यू टू, ये किस लिए होता है, ये मोर्टेलिटी के लिए होता है, तो ऑप्शन आंसर डी है। देन एस्पिरिन क्या है, एक टाइप का आप लोग का एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन सी। देन ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड एट रेस्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिचुएशन ऑप्शंस, इनमें से कौन सा आप लोग का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वेट विल बी ग्रेटर देन पायन की, ये गलत है आप लोग का, ऑप्शन डी लेस देन होता है। देन नेक्स्ट है, ए बुलेट ऑफ ऑन पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इन टू इट्स टारगेट लूजेज इट्स वेलोसिटी 50 आप लोगों का परसेंट, 30 का 50% यानी कि 15 है। देन वट एडिशनल डिस्टेंस विल इट पेनिट्रेट इन टू द टारगेट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ये कितना 15 का 10 कर सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए वेरी नैरो ट्यूब, यानी कि बहुत ही पतला ट्यूब से फ्लो कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर बिलो विच द फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन, यानी कि एकदम स्टेडी फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन जिसे बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। देन एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क एज 50 वाट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट सप्लाई, द प्रेजेंट पावर ऑफ द बल्ब, ये जो पी इजकल्स टू वी आई है उस फॉर्मूला को यूज़ करके करेंगे तो सोल्यूशन आप लोग का 12.5 वाट आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर विटामिन इज वाटर सोल्यूबल एज वेल एज एंटी ऑक्सीडेंट, वाटर सोल्यूबल अगर कुछ आप लोगों को एक ट्रिक में बता दूँ, WBCS के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, WBCS ये है, तो यहाँ पे देखिए WRS माने कि वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी होता है, ठीक है, ऐसे करके आप लोग पढ़ सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे तरफ से। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है, मेरे को खुद ही नहीं पता ये क्या है। देन नेक्स्ट है 172, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 173, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना द हीट वेव ट्रैवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये थर्मल रेडिएशन हो जाएगा। देन 174, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन अडॉप्ट
हाँ ये करेक्ट है, एडाप्टेशन ऑफ आई इन डार्क ड्यू टू, ये किस लिए होता है अपनों का, रेप्लिकेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट एंड रॉड्स के लिए होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे ज़्यादा हाइस्ट कहाँ पे होता है, ये ब्राज़ील में होता है, ऑप्शन बी। द नॉइस लेवल ड्यूरिंग प्लेन टेक ऑफ इज़, ये अराउंड कितना होना चाहिए आप लोग का, 105 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 150 dB मतलब डेसिबल होगा यहाँ पे। देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो पास हुआ था इंडिया में 2002 में पास हुआ था। देन बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट कम अप, ये कौन से टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ था, 1905 में हुआ था। देन द ग्रीन बेंच इन कोलकाता हाई कोर्ट इज इस्टेब्लिश्ड इन, ये 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था, 18 अप्रैल 1996 में। देन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ का, सी रिसाइकिलिंग के लिए, आयरन का, तो एफ ई करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी SITES सिटीज जिसे बोलते हैं हम, ये कब आया था, 1975 में आया था। बहुत बार इसका फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो सिटीज़ का फॉर्म हम लोग लिख लीजिएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना होगा, तो सिटीज़ का फुल फॉर्म यही है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है आप लोगों का, CI है, तो बिकली होता है जो भी है, ये CI है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। द फॉलोइंग वेस्ट कम्स अंडर रेड कैटेगरी, ये रेड कैटेगरी मतलब क्या है, जो ब्लू कैटेगरी होता है उसमें पेपर रखते हैं, ग्रीन कैटेगरी में ग्लास रखते हैं, और रेड कैटेगरी में आप लोग का ऑयल वेस्ट और मेटल्स रखते हैं, और येलो कैटेगरी में सब प्लास्टिक्स रखते हैं, ये सब है आप लोग का, ठीक है। देन नेक्स्ट है 185, द आइडियल टेम्परेचर फॉर कॉम्पोस्टिंग जो होता है उसका आइडियल टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री होना चाहिए। देखो यार, द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाई म्यूनिसिपैलिटी इज मोस्टली बाई, ये कैसे किया जाता है, ये क्लोरिनेशन से, यानी क्लोरीन जो भी है आप लोग का यूज़ किया जाता है। देन टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ये किस लिए होता है, बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाई, ये माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। देन कंट्री वेयर पेपर रिसाइकलिंग वॉज इनिशिएटेड इन वर्ल्ड, सबसे पहले रिसाइकलिंग पेपर का कहाँ पे इनिशिएट किया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन मल्चिंग क्या प्रिवेंट करता है, मॉइस्चराइजेशन प्रिवेंट करता है। देन इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 1952 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देन भगवतपुर प्रोजेक्ट इज किस लिए है, ये ब्रीड किया करता है, ये मार्स क्रोकोडाइल के ब्रीडिंग के लिए है। देन मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन इन एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन ऑफकोर्स कहाँ पे होगा, चाइना में ही होगा। देन नेक्स्ट है गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए रहता है। देन बीटी कॉटन जो है आप लोग का, ये तब का करंट अफेयर्स था, तो बीटी कॉटन इज ए ट्रांसजेरिक क्रॉप विद ए जेनेरिक जीन ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया से जीन ट्रांसफर हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं इज रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, वट इज़ द गैस लिबरेटेड, CO2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ ए लिक्विड कम्पेयर टू वन इन साइड द लिक्विड इज़, ये ग्रेटर होगा। देन यहाँ पर जो भी करेक्ट है आंसर, इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेज, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन गामा रे एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस, देर इज़ नो चेंज इन फोटोन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सेशन हो गया ये वाला, तो इन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज एमिटेड बीटा पार्टिकल आर, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये सब वीडियो शेयर कीजिए, और जितने भी मैं PDF आप लोगों को शेयर करता हूँ सब टेलीग्राम ग्रुप में है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप से आप अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवा सकते हो। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।